नमस्कार दोस्तों, शिखर धवन के बाद में एक और तेज गेंदबाज ने संन्यास का कर दिया ऐलान। जो तीन फॉर्मेट में कर चुका है बहुत तेज गेंदबाजी। भाई 2024 को अगर यह नाम दिया जाए तो कोई गलत नहीं होगा, रिटायरमेंट ऑफ द ईयर। न जाने कितने फैंस के दिल तोड़े हैं। अभी अभी हाल ही में शिखर धवन ने दिल तोड़ा था और अब इस तेज गेंदबाज ने भी बोल दिया है मैं भी रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं तीनों फॉर्मेट से। भाई क्या ये 2024 में श्राप लग गया है? ऐसी कोई टीम नहीं बची है जिसमें से कोई खिलाड़ी रिटायरमेंट नहीं हुआ है। क्रिकेट में रिटायरमेंट लेने का सिलसिला थम नहीं रहा है। भारतीय तेज गेंदबाज ने भी तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने का अनाउंसमेंट कर दिया है। भाई जैसे ही आईपीएल खत्म हुआ था दिनेश कार्तिक ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी, उसके बाद में केदार जाधव, फिर जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, ऑस्ट्रेलिया के घातक बैट्समैन डेविड वार्नर, साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर, न जाने कितने नाम गिनाऊं, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट, भाई साहब खतरनाक गेंदबाज थे। लेकिन भारत के इस तेज गेंदबाज ने भी बोल दिया कि रिटायरमेंट लेने का यही अच्छा मौका है और यही अच्छा समय है। भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बरिंदर शरण ने बोला मैं रिटायरमेंट होने के लिए तैयार हूं और इस यात्रा के लिए मैं लोगों का और फैंस का बहुत बहुत आभारी हूं। बरिंदर शरण को 2016 में भारत की टीम से खेलने का मौका मिला था। उन्होंने कहा कि भाई मेरा इंटरनेशनल करियर भले ही छोटा रहा हो लेकिन यादें बहुत बड़ी हैं। उन्होंने कहा कोच और भगवान का मैं शुक्रगुजार हूं जो मुझे इंडिया टीम में खेलने का मौका मिला। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत सपने देखते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। और अंत में यह बोला कि सपने देखने के रास्ते कभी बंद नहीं होते, सपने देखते रहो। बरिंदर शरण ने 2015 और 16 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था लेकिन वहां भी उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब भारत जिम्बाब्वे के दौरे पे थी तो उन्हें 2 T20 मैच खेलने का मौका मिला था। उन्होंने 6 वनडे मैच में 7 विकेट चटकाए थे और 2 T20 में 6 विकेट चटकाए थे। उन्होंने IPL भी खेला था, IPL में राजस्थान में पंजाब से और हैदराबाद से खेले थे। भाई आशा करता हूं ये रिटायरमेंट की न्यूज अब थम सी जाए क्योंकि रिटायरमेंट का सिलसिला चालू हुआ है तो बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। भाई 2024 में हुए रिटायरमेंट सारे खिलाड़ियों में से आपको सबसे ज्यादा दुख किस खिलाड़ी के रिटायरमेंट लेने से हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं और किसी वीडियो में, जब तक ख्याल रखना। जय हिंद।